रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, हर घर खुशहाली लाएंगे। उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान। हम इस समय चौकी कीट पालन कक्ष के भीतर हैं और आज ही जो चौकी कीटांड थे, जो रेशम के कीटों के अंडे थे, उनमें से आज ही कीट बाहर निकला है और उसे केवल दो फीडिंग यानी कि दो बार पत्तियां खिलाई गई हैं। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि वो कीड़ा, जब इतने छोटे से अंडे से, एक राई के दाने के बराबर का अंडा होता है, उसमें से कीड़ा बाहर निकलता है तो जाने कि कितना छोटा होता है वो, और उसे कितनी बड़ी या छोटी पत्ती खिलाई जाती है, क्योंकि सहतूत की पत्तियां वो खा रहा है। बड़ा जब हो जाता है तब तो बड़ी पत्तियां खा रहा है, तो कितनी छोटी पत्तियां खाता है, कितना छोटा दिखता है वो, हम लोग जान सके आज अपने सामने। और रोमिल जी थोड़ा सा उसे विस्तार से बताएंगे भी। देखिए सर, जैसे कि आज हम यहाँ पर 10 मार्च का दिन है और यहाँ पर आज ये जो कीटांड था, इससे कीट हैचिंग करके बाहर आया है और किसानों को अधिकतम लाभ रेशम कीट पालन से मिल सके, इसके लिए ये सावधानी रखी जाती है कि जो जब कीट बहुत अंडे से बाहर आता है तो उसको इस तरह के वातावरण में पाला जाए जिससे कि उसकी सेहत अच्छी हो और उसकी वृद्धि आगे चलकर अच्छी हो सके। तो इसलिए जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसके लिए देखभाल की जरूरत होती है, उसी लिए जब ये देखेंगे कि आपकी जो कीट निकला है अंडे से बाहर आया है वो बहुत ही छोटा है, तो ऐसी स्थिति में ये दायित्व बन जाता है कि उसकी देखभाल अच्छे से करी जाए और तकनीकी कुशल कार्मिकों की देखरेख में ये चाकी कीट पालन कार्य किया जाता है। आज दिनांक 10 तारीख को ये अंडे से कीड़ा बाहर आया है और अभी इसमें दो फीडिंग पड़ी है, यानी कि एक ब्रशिंग हुई है, उसके बाद एक फीडिंग और यहाँ पर डाली गई है। तो आप देखेंगे कि कीड़े का साइज देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा होगा आपको कि बहुत छोटे छोटे से कीड़े रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन पे पत्ती जो डाली गई है वो भी एक उचित आकार की, जो आकार की पत्ती से ये कीड़ा उस पत्ती को खा सके उसी आकार की महीन बारीक पत्ती डाली गई है, जो कि 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर की पत्ती होती है। तो ये सारे काम एक दक्ष कार्मिक ही कर पाते हैं, इसीलिए ये शुरुआती तौर पर कीड़ा तकनीकी कार्मिकों की देखरेख में पारा जाता है 2 मोल तक, जिसको चाकी कीट पालन कहते हैं। आज ये प्रथम दिन से इसकी शुरुआत हो रही है और इसी तरीके से तकनीकी कार्मिकों की कुशल देखरेख में ये कीड़ा 2 मोल यहाँ पे पास करेगा और फिर जब स्वस्थ कीड़ा होगा, विकसित कीड़ा होगा, तब किसानों को ये बांटा जाएगा। आपने रोमिल जी ये तो बताया कि ये पत्ती 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि बहुत छोटी छोटी सी काट करके कीड़े को दी गई, क्योंकि छोटा सा कीड़ा कीड़ा का बच्चा के रूप में है वो, तो वो उसे इसमें से ही कहना चाहिए कि जो पत्तियों का रस है उसे वो चूस पाएगा अपने माउथ पार्ट से जो भी उसके पास इस समय डेवलप होंगे। लेकिन ये पत्ती क्या कोई मुलायम पत्ती पेड़ की होनी चाहिए या कोई सी भी पत्ती तोड़ के उसे खिला सकते हैं? नहीं, ये मुलायम पत्ती होनी चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि इसमें अभी बहुत खाली इसको रस चूसना है, जो कीड़ा अभी उतनी तरह विकसित नहीं होगा, उसके माउथ पार्ट यानी कि उसके दांत अभी इस तरह से नहीं होते हैं कि वो बड़ी पत्ती को काट सके और खा सके, इसलिए पत्ती तोड़ते समय बहुत ध्यान रखा जाता है कि जब पहले दिन यानी कि फर्स्ट मोल की जो पत्ती, जो प्रथम अवस्था की पत्ती होती है, उसमें शुरुआती जो पेड़ की ऊपर टहनी होती है उसकी तीसरी पत्ती से हम शुरुआत करते हैं, वो नम मुलायम पत्ती होती है, उसमें नमी इतनी होती है कि वो शुरुआती तौर पर जो बहुत छोटे कीड़े हैं उसके पत्ती के रस को वो कीड़े आसानी से भोजन पदार्थ के रूप में ले सकते हैं। ये ट्रे में आपने, ट्रे में तो इतना सारा हिस्सा बचा हुआ था, ये कितना कीड़ा होगा जो इस ट्रे में? देखिए ये अभी देखने में बहुत छोटा लग रहा है, ये एक ट्रे में ये 50 DFL कीटांड है, यानी कि एक DFL में लगभग 500 के करीब अंडे होते हैं, तो 25,000 कीड़े यहाँ पर इस वक्त हैच होके यहाँ पर बाहर आए हुए हैं, जो देखने में अभी नहीं बिल्कुल पता चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे की अवस्थाओं में कीड़े जाएंगे, इस एक ट्रे की लगभग लास्ट अवस्था में 50 ट्रे तक बन जाती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ट्रे इस कीड़े की बढ़त इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके लिए 50 ट्रे की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए इसको शुरुआती तौर पर इस तरह से विकसित करना चाहिए कि वो बढ़त आगे बढ़ते हुए पूर्ण आकार ले ले और आगे रेशम उत्पादन में सफलतापूर्वक कोई उत्पादन करे और किसान को उससे लाभ प्राप्त हो सके। आप देख रहे हैं इतनी छोटी सी जगह में ये इस ट्रे में, ये ट्रे जो है आपकी 3x2, इसकी लंबाई 3 फीट है और चौड़ाई 2 फीट है, यानी कि हम देख सकते हैं 3x2 6 स्क्वायर फीट की ये ट्रे है, इतनी छोटी सी, और उसमें भी इतने छोटे से एरिया में ये कीड़ा सिमटा हुआ है। आज इसका पहला दिन है और आपको जैसे कि रोमिल जी ने बताया कि 50 DFL एक ट्रे में शुरुआत की गई, 50 DFL में 25,000 कीड़े, आप सोच सकते हैं ये इतनी छोटी सी जगह में जो अभी अभी आपको कैमरे से दिखाया गया कि 25,000 कीड़े, एक बार और कैमरा इधर को लेकर के आएंगे देखेंगे
कि इतनी छोटी सी जगह में ये 25,000 कीड़े हैं जो ये आप देख रहे हैं। और वैसे कैमरे में आपको ये थोड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे, मैं जब इन्हें सामने से देख रहा हूं तो ये मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, बहुत मुश्किल हो रहा है इनको देखना। इसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस की, मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत पड़ती है कि इसे हम बहुत अच्छे से देख सकें, इसके मूवमेंट देख सकें। तो इतने छोटे से नहीं, 25,000 कीड़े हैं और बढ़ते बढ़ते ये इस एक ट्रे से ये 50 ट्रे तक बढ़ जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इनका साइज कितना बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद फिर ये उसे अपने अंदर जो रेशम बनाएगा उसे कोए में तब्दील कर देगा, और उसे ही किसान बेच करके आय कमाएगा। और उस कोए से ही आप सोच सकते हैं कि हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं रेशमी, तो आप सभी जानते हैं। और हमने आज इस चौथी कक्ष के अंदर थोड़ी सी चीजें जानी, और उसके बाद ये सारी ही चीजें हमारे एक ही उद्देश्य को लेकर हैं, जिन्हें हम फिर से दोहराएंगे। रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे, हर घर खुशहाली लाएंगे, उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान। आप सभी को अच्छे रेशम उत्पादन की शुभकामनाएं।